क्या कहती है आपकी राशि, जानिए अपनी कुंडली एवं राशियों का पूर्ण विश्लेषण आचार्य चंदन शांडिल्य जी से। क्या कहती है आपकी राशि, जानिए अपनी कुंडली एवं राशियों का पूर्ण विश्लेषण आचार्य चंदन शांडिल्य जी से। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार दर्शकों, मैं पंडित चंदन शांडिल प्रतिदिन की तरह एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी के अपने एवं सबसे खास लोकप्रिय कार्यक्रम कुंडली दर्शन में। और आज कुंडली दर्शन के इस विशेष राशिफल विशेषांक कार्यक्रम में बात करेंगे मासिक राशिफल के बारे में। जी हाँ, इस कार्यक्रम में बात करेंगे मेष राशि से लेकर मीन राशि वालों तक के सभी राशि के राशिफल दिसंबर 2018 में क्या कुछ बता रही है। जी हाँ, साल का आखिरी महीना दिसंबर शुरू हो चुका है और वो कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। तो चलिए जानते हैं क्या कहता है आपका दिसंबर का राशिफल, जाते जाते यह साल आपको क्या कुछ देने वाला है सौगात। शुरुआत करते हैं सबसे पहले मेष राशि से, फिर क्रमशः बारी बारी से सभी राशि वालों के राशिफल के बारे में बात करेंगे। मेष राशि वाले, महीने के आरंभ में पैतृक संपत्ति से लाभ होने के आसार नजर आ रहे हैं। आकस्मिक धन प्राप्ति का उत्तम योग बन रहा है। अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित करने के लिए उत्तम समय है। मकान और वाहन की खरीदारी के लिए अनुकूल समय है। आपका कार्य धीमी गति परंतु नियमित गति और उत्तम ढंग से सफलतापूर्वक संपूर्ण होगा। आपके लिए कुछ आरामदायक समय रहने वाला है। आप बाहर घूमने फिरने के जाने का कार्यक्रम भी बना सकते हैं। आपकी बौद्धिक क्षमता में वृद्धि होगी। दूसरों के साथ वाद विवाद ना बढ़े इसका आप ध्यान रखें। महीने के द्वितीय सप्ताह में आपके कार्य व्यापार में कोई बहुत बड़ा ऑर्डर प्राप्त करने में आपको रुकावट आ सकती है। कोई कॉन्ट्रैक्ट या कोई एग्रीमेंट को आपको हासिल करने में थोड़ी सी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। आर्थिक विषय में किसी के ऊपर भरोसा ना करें। नौकरी में सहकर्मियों के साथ टकराव होने की संभावना बन रही है। आपके घर पर मेहमानों का आगमन लगा रहेगा। अब आइए बात करते हैं वृषभ राशि वालों के लिए दिसंबर का महीना किस प्रकार से है गुजरने वाला। वृषभ राशि वाले, सार्वजनिक जीवन, भागीदार और जीवन साथी, इन सभी विषय पर इस महीने में आपको विशेष ध्यान देना होगा। उनके साथ बात करते समय अपने वाणी पर संयम रखें और संयमित व्यवहार करें। आप जल्दबाजी अथवा आवेश में आकर कोई निर्णय ना लें। ग्रह ही ऐसे चल रहे हैं कि आप आत्मीयता के साथ भावनात्मक रूप से जुड़े रहेंगे और आपका मन अस्थिर ना हो, इसके लिए भगवान शिव शंकर के ऊपर कच्चा दूध और शुद्ध जल मिलाकर अभिषेक करने से आपको बहुत लाभ होगा। इस महीने किसी भी प्रकार का उधार ना दें और उधार लेने से भी बचें। भूल से भी क्रेडिट कार्ड का उपयोग अधिक ना हो जाए, इसका ध्यान आपको जरूर रखना है। इसके साथ ही आपको अधिक गुस्सा ना करें और कारण क्रोध करने से आपको बचने का प्रयास करना चाहिए। अब आइए बात करते हैं अगली राशि मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले, खास करके विद्यार्थियों के लिए यह समय बहुत उत्तम रहेगा। अगर यह समय के अनुसार आप योजना बनाकर पढ़ाई करेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। आपके दिल में किसी विशेष व्यक्ति के लिए कुछ प्रेम प्रसंग की भावनाएं उत्पन्न हो सकती है। नए संबंधों की शुरुआत करने के लिए आपके दिल में उत्साह रहेगा। कार्य व्यापार व्यवसाय में प्रगति होने के आसार नजर आ रहे हैं। किसी नई नौकरी के अवसर प्राप्त होने का योग इस महीने में आपको बन सकता है। आपके द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा होने वाली है। कोर्ट कचहरी के कार्यों में थोड़ी सी मायूसी वाली बात है, इसमें कुछ असफलता मिल सकती है। आकस्मिक
खर्च को पूरा करने के लिए आपको अग्रिम योजना बनानी होगी। समय आपके पक्ष में रहेगा, इसके फलस्वरूप आपकी मेहनत रंग लाएगी और नकारात्मक परिस्थितियों को भी आप सकारात्मक परिस्थिति में बदल डालेंगे। माता की तबीयत बिगड़ने की कुछ आशंका है। महीने के अंतिम समय में जीवन साथी के साथ वाद विवाद हो सकता है, इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें। अब आइए बात करते हैं अगली राशि कर्क राशि वालों के लिए दिसंबर का महीना किस प्रकार से है गुजरने वाला। कर्क राशि वाले, इस महीने आपके परिवार में आनंद का वातावरण बना रहेगा। घर में फर्नीचर आदि की सजावट में परिवर्तन करके उसे नया स्वरूप प्रदान करेंगे। प्रत्येक बात पर आप व्यवहारिक रूप से विचार करेंगे। महीने के पूर्वार्ध के समय प्रेम संबंधों अथवा संतान के साथ संबंधों में अहंकार के कारण आपका मन दुखी हो सकता है। जहां तक संभव हो वहां तक समान विचारधारा वाले लोगों से आप बहुत संयमित होकर बात करें और अहंकार को अपने मन में न पनपने दें। भविष्य के लिए आर्थिक मामलों में उत्तम प्लानिंग कर पाएंगे। नकारात्मक विचारों से आपको दूर रहना चाहिए। मन में कोई थकावट, बेचैनी या बोरियत आपको हो सकती है। इसके लिए योगा या प्राणायाम करना आपके लिए लाभदायक होगा। किसी धार्मिक अथवा मांगलिक कार्यक्रम में आप इस महीने में जा सकते हैं। अब आइए बात करते हैं अगली राशि सिंह राशि वालों को दिसंबर का महीना क्या कुछ बता रही है। सिंह राशि वाले, आप प्रत्येक कार्य सोच विचार कर करेंगे। विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई मेहनत करना आवश्यक है। ग्रहों की स्थिति कुछ ऐसी है कि आपको मेहनत के मुकाबले कम फल मिलेंगे। आप नई नौकरी भी ज्वाइन कर सकते हैं। कोई शत्रु आपके विरुद्ध कोई षड्यंत्र रच सकते हैं, किंतु वे कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। भागीदार और पार्टनर के साथ आपके संबंध मधुर होंगे। पति पत्नी में पारस्परिक तालमेल बढ़ने वाला है। समाज में आगे बढ़ने के अवसर आपको प्राप्त होंगे। छोटा यात्रा आपके व्यवसाय के लिए लाभदायक होगा। अब आइए बात करते हैं कन्या राशि वालों के लिए दिसंबर का महीना क्या कुछ कह रहा है। कन्या राशि वाले, प्रेम संबंधों में आप लंबे समय से उग्र व्यवहार कर रहे हैं, जिसके कारण तनाव की स्थिति बनी हुई है। यह स्थिति इस महीने से बदल जाएगी। आपके बीच में आत्मीयता और मधुरता बढ़ने वाली है। हालांकि पुराने प्रेम संबंध में आपको कुछ विवाद का सामना आपको करना पड़ सकता है और इस बीच आपको कोई नए संबंध की शुरुआत होने की संभावना बन रही है। नौकरी पेशा लोग पूरे जोश और उत्साह के साथ संपूर्ण दुगने गति से कार्य करने वाले हैं और अपनी कुशलता का परिचय अपने ऑफिस में देने वाले हैं। परंतु साथ में एक बात का ध्यान रखें, जहां टीम वर्क में काम करना हो वहां आप गुस्सा ना करें, इससे आपको नुकसान हो सकता है। ऐसे समय में आपको धीरज रखना जरूरी है। कुल मिलाकर यह समय या महीना आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा। अब आइए बात करते हैं अगली राशि तुला राशि वालों के लिए दिसंबर का महीना क्या कुछ कहता है। तुला राशि वाले, प्रारंभिक चरण में रोमांस की भावना आपके अंदर क्रमशः बढ़ने वाली है। शुरुआत शायद कमजोर हो, परंतु उसमें तुरंत सुधार आएगा। दाम्पत्य जीवन में उत्तम सुख का आनंद उठाने का समय शुरू हुआ है। ऐसा कहा जा सकता है कि आप अपने प्रिय व्यक्ति अथवा मित्रों की तरफ से कोई भेंट उपहार भी प्राप्त कर सकते हैं। आपके सीनियर अधिकारी आपके कामकाज से खुश होंगे। आपके आर्थिक स्थिति में बेहतर सुधार होने के योग नजर आ रहे हैं। व्यापार व्यवसाय में कोई महत्वपूर्ण निर्णय आप लेने वाले हैं, जिसका परिणाम लंबी अवधि में बहुत ज्यादा लाभदायक आपके लिए रहने वाला है। आप इस महीने ईमानदारी से अपना कार्य पूर्ण करेंगे और आपकी लोकप्रियता में वृद्धि होगी। अब आइए बात करते हैं अगली राशि वृश्चिक राशि वालों के दिसंबर का महीना क्या कुछ कहता है। वृश्चिक राशि वाले, महीनों की शुरुआत से ही ग्रहों की स्थितियां बढ़िया होने से आप अधिकांश कार्यों में कुशलता पूर्वक संपूर्ण कार्य कर देंगे। सफलता आपको प्राप्त होगा। परोपकार और धार्मिक कार्य करने का विचार मन में आपके उत्पन्न हो सकते हैं। कुछ नकारात्मक विचारें इस समय में आपसे दूर होगी। संतान की ओर से कोई उत्तम समाचार प्राप्त होगा। आपके कार्यों की प्रशंसा होगी।
संपत्ति संबंधी लेन देन हो सकता है, मकान में रेनोवेशन का कार्य करवा सकते हैं, परिवार और जीवन साथी के साथ बाहर जाने का कार्यक्रम बन सकता है। इस समय की गई यात्रा आपके लिए लाभदायक होगा। विवाहितों के लिए ससुराल की तरफ से कोई गुड न्यूज मिलने वाला है। पीछे समय में यदि आपकी कोई इच्छा पूरी नहीं हुई है तो इस महीने आपकी इच्छा संपूर्ण रूप से सफल होगी। अब आइए बात करते हैं धनु राशि वालों के लिए क्या कुछ कहता है दिसंबर का महीना। धनु राशि वाले ग्रहों की स्थिति को यदि देखें तो इस महीने स्वास्थ्य की समस्या और आपके सीनियर अधिकारियों के साथ आपको कुछ अनबन हो सकता है। घर में भी बुजुर्गों के साथ आपके संबंधों में आपसी तनाव का सामना आपको करना होगा। सरकारी अथवा कानूनी कार्यों में भी अड़चन हो सकती है। स्वास्थ्य की तकलीफ भी आपके साथ हो सकती है, इसलिए इन सभी बातों में आपको संभल कर रहने की आवश्यकता है। विशेष करके आपको आंखों की तकलीफ से सतर्कता बरतनी होगी। किसी व्यक्ति के साथ कोई वाद विवाद, टकराव या फिर झगड़ा हो सकता है। अपने क्रोध को नियंत्रण में रखना जरूरी है, अन्यथा परिस्थिति उलझन भरी हो सकती है। पहले सप्ताह में विद्यार्थियों के लिए सामान्य योग है, लेकिन उन्हें परिणाम बहुत ही उत्तम इस महीने मिलने वाला है। यदि आप किसी कंपटीशन या इंटरव्यू इस महीने में देने जा रहे हैं तो आपकी नौकरी पक्की है। अब आइए बात करते हैं अगली राशि मकर राशि वालों के लिए क्या कुछ कहता है दिसंबर का महीना। मकर राशि वाले महीने के प्रारंभिक पखवाड़े में आपके महत्वपूर्ण कार्य सरलता से पूर्ण होने से कार्य क्षेत्र में आपकी प्रशंसा होने वाली है तथा आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। नौकरी पेशा लोगों को नई जवाबदेही के साथ पदोन्नति की संभावना भी बन रही है। आपको प्रमोशन मिल सकता है। विदेश से संबंधित कार्यों में लाभ होगा। आपके कार्यों में सृजनात्मक रूप से वृद्धि होने के योग बन रहे हैं। डेकोरेशन, परफ्यूम, सौंदर्य प्रसाधन, सौंदर्य से संबंधित उत्पादों की एजेंसी अथवा बेचने का काम, सिनेमा से संबंधित कार्यों, कला जगत, सजावट की वस्तुओं इत्यादि कामकाज से जुड़े लोगों को प्रगति मिलने के अवसर साफ साफ इस महीने दिख रहे हैं। जीवन साथी के साथ संबंध आपके मधुर रहेंगे। प्रेमी जोड़ों के लिए भी यह महीना बहुत अच्छा बीतने वाला है। अब आइए बात करते हैं कुंभ राशि वालों के लिए दिसंबर का महीना क्या कुछ कहता है। कुंभ राशि वाले, आपको कहीं ना कहीं से कोई ना कोई नया कार्य मिलता रहेगा जिससे आपके इनकम में बढ़ोतरी होगी। आपकी सार्वजनिक प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। हालांकि इसके साथ ही आपके स्वभाव में भी उग्रता का प्रमाण अधिक रहेगा, इसलिए किसी भी व्यक्ति के साथ व्यवहार में संयम तथा वाहन चलाते समय आप बहुत सावधानी पूर्वक ध्यान दें या कोई भी काम करते हैं तो धीरज जरूर रखें। आपको विशेष बल से इस बात की सलाह दी जा रही है कि सावधानी यदि इस महीने में हटी तो कोई ना कोई दुर्घटना आपके साथ घटी। सार्वजनिक जीवन में आपकी सक्रियता बढ़ने वाली है। समाज अथवा जरूरतमंद लोगों की खुशहाली के लिए आप अलग अलग गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए यह महीना बहुत शानदार रहेगा। अब आइए बात करते हैं अंतिम राशिफल मीन राशि वालों के लिए दिसंबर का महीना क्या कुछ कहता है। दिसंबर आपके लिए कुल मिलाकर मिश्रित फलदायी कहा जा सकता है। आपकी महत्वाकांक्षाओं को गति प्राप्त होगी। अभी आप जो काम करते होंगे उससे अधिक उत्तम काम करने के लिए आप उत्साही रहेंगे। इस महीने आपके आशावादी और अवसरवादी दोनों स्वभाव खुलकर सामने आएंगे। थोड़ी जल्दबाजी और भाग्य पर छोड़ देने की प्रवृत्ति को आपको कंट्रोल करना होगा। आप नई नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करने वाले हैं, उसमें आपको कुछ एडवांस नई टेक्नोलॉजी मिल सकते हैं। यह आपकी आदत भविष्य में आपको ऊंचे शिखर पर पहुंचाने वाला है। जैसे जैसे महीना आगे बढ़ेगा वैसे वैसे अपने बुद्धिबल और विवेक का प्रयोग करके आप सभी कार्य को सरलतापूर्वक संपूर्ण कर लेंगे। तो दर्शकों, आपने देखा क्या कहता है आपका दिसंबर का महीना। इसी प्रकार से कुंडली दर्शन के इस चैनल में आपको प्रतिदिन का राशिफल, पंचांग, साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल और वार्षिक राशिफल, इसके अलावा भी धर्म से जुड़े अनेक रहस्यपूर्ण महत्वपूर्ण बातों की जानकारी
प्रतिदिन प्राप्त होगी। तो जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। बेल आइकॉन को प्रेस जरूर करें। फिर मुलाकात होगी अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी, राधे राधे। क्या कहती है आपकी राशि, जानिए अपनी कुंडली एवं राशियों का पूर्ण विश्लेषण आचार्य चंदन शांडिल्य जी से।